हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है आपकी ये 8 आदतें। जी हाँ दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है और इसके बिना हमारे शरीर के काम करने की क्षमता ना के बराबर हो जाती है। किडनी हमारे शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकालती है। अगर किडनी सही ढंग से काम ना करे तो हमारे शरीर में टॉक्सिस जमा होने से इसका सीधा असर हमारे दिल और लीवर पर पड़ेगा। तो दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने खान पान और जीवन शैली का खास ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हमारी कुछ आदतों का बुरा असर हमारी किडनी पर पड़ता है, जिससे किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी कौन सी आदतें किडनी को घातक बना सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, अगर आप घर से बाहर पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करने से बचने के लिए ज़्यादा देर तक पेशाब का रोक सकते हैं, तो दोस्तों पेशाब को रोक कर रखते हैं तो आपकी ये आदत किडनी को खराब कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पेशाब को देर तक रोकने से किडनी पर दबाव पड़ता है और शरीर में जमा टॉक्सिस वापस खून में पहुंचने लगता है। इससे पथरी और किडनी डैमेज का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, जहाँ कहीं पर भी हो आप, बाथरूम अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाथरूम समय से करने से किडनी का खतरा कम होता है। अधिकतर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पेन किलर्स का जरूरत से ज़्यादा सेवन करने से किडनी डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों, खास तौर पर जिन लोगों को पहले से ही किडनी की कोई समस्या है, उन्हें किलर्स का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी पेन किलर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये सावधानी अवश्य बरतें। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने के बावजूद अधिकतर लोग अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक नहीं करवाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। हाई बीपी के मरीजों में किडनी डैमेज का खतरा अधिक होता है। तो दोस्तों, समय पर आप ब्लड प्रेशर अवश्य चेक कीजिएगा और उसे कंट्रोल रखिएगा, इससे आपकी किडनी बची रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपकी किडनी को खतरा हो सकता है। हाई सोडियम युक्त डाइट लेने से शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे किडनी से जुड़ी बीमारियों का जोखिम अधिक बढ़ जाता है। इसलिए खाने में नमक का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार ही करें। तो दोस्तों, ये चीज़ अवश्य ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम पानी पीने से शरीर में जमा टॉक्सिस बाहर नहीं निकल पाते हैं और हम इससे पथरी का खतरा भी बढ़ता है। तो दोस्तों, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी किडनी संतुलन में रहेगी और स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी के लिए घातक साबित हो सकता है। शराब और सिगरेट के सेवन से पथरी का खतरा बढ़ जाता है और किडनी की रक्त साफ करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये आदतें हैं तो ये अवश्य बरतें, क्योंकि दोस्तों किडनी स्वस्थ रखने के लिए ये जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड या जंक फूड का सेवन करते हैं, उन्हें किडनी संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है। प्रोसेस्ड फूड में सोडियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है, जिससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अधिकांश लोग मीठी चीज़ों को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मीठे का अत्यधिक सेवन करने से डायबिटीज़ और किडनी से जुड़ी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप मीठा खाने पर थोड़ा कंट्रोल अवश्य रखिएगा। तो दोस्तों, किडनी बचाने के लिए आपको ये आदतें कंट्रोल करनी होगी, नहीं तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों, ये आदतें आप जरूर बरतें। तो दोस्तों, इस तरह किडनी बचाने के लिए आपको ये आदतें कंट्रोल करनी होगी, नहीं तो आपकी किडनी जल्दी डैमेज हो सकती है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णु नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।